ये है कनाडा, जो कुछ ही सालों में रशिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। इतना बड़ा कि इससे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो सकता है। जी हाँ, 80% एम्प्टी इस देश की पॉपुलेशन आज भले ही यूएसए से सटी बाउंड्री लाइंस में रहती है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब बदल सकता है। और अक्सर शांत बैठा रहने वाला कनाडा अब जियोपॉलिटिकली एक बड़ा रोल निभा सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका पहले ही इस पूरे उलटफेर से घबराया हुआ है, वहीं एक और खिलाड़ी है जिसने इस पूरे गैम्बल को अपनी साइड करने के लिए चाल भी चलनी शुरू कर दी है। अगर आप अब तक नहीं समझे कि आखिर ये किस बारे में बात हो रही है, तो जनाब इस पूरे उलटफेर की कड़ियां आर्कटिक रीजन से जाकर जुड़ती हैं, वो आर्कटिक रीजन जिस पर कनाडा का कंट्रोल है। और इस कंट्रोल के चलते कनाडा अब जियोपॉलिटिकली किसी भी देश को अपने टर्म्स पर झुका सकता है। हो सकता है ये खुद भी एक सुपर पावर बनने की रेस में शामिल हो जाए, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अचानक आर्कटिक रीजन को लेकर सभी देशों की दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है। पहले तो कोई इस रीजन को रखना तक नहीं चाहता था, तो फिर अचानक आर्कटिक रीजन में ऐसा क्या निकल आया है जो कनाडा को माला माल बना सकता है, और सभी देशों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। ये देखिए, दुनिया के नक्शे पर यह है आर्कटिक रीजन। नॉर्थ में आपको बाउंड्री से ऊपर जो ये रीजन दिख रहा है, इसे ही आर्कटिक रीजन कहा जाता है, जहां पर जमीनी हिस्सा जितना ज्यादा है उससे ज्यादा बड़ा ओशियन है, और जो लैंड एरिया भी है वो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। अब ये दिखने में भले ही इनहैबिटेबल और लेस इम्पोर्टेंट हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसे ही पाने के लिए एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है। जो देश आर्कटिक रीजन से काफी दूर भी है, वो भी यहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने को बेताब है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस पिघल रही है, वैसे वैसे एक नया सी रूट दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। और आगे इसी तरह की स्पीड से बर्फ पिघलती गई तो इस रास्ते के खुलने से सी रूट के सारे डायनेमिक्स ही बदल सकते हैं। ये बात जहां सबसे इम्पोर्टेंट सी चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करने वाले नेशंस को बुरी लग रही है, वहीं रशिया कनाडा वो देश है जिनके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये देश एक न्यू इमर्जिंग पावर बनकर सामने आ सकते हैं, और इससे सी रूट के पूरे डायनेमिक्स उथल पुथल हो सकते हैं। जो देश आज केवल अपने पोर्ट के दम पर पैसे वाले हैं, उनका तो सफाया हो सकता है, और जिनको इससे करोड़ों का मुनाफा हो सकता है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जानी मानी शक्तियां हैं। अब ये कब, कैसे और क्यों हो सकता है, ये सब कुछ डिटेल में समझने के लिए जरा इस मैप पर नजर डालो। ये वो देश है जिनके हाथ में आर्कटिक रीजन की चाबी है, जहां इनमें से कुछ देशों के पास आर्कटिक टेरिटरी है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इस रीजन के करीब हैं। अब इन देशों की बात करें तो सबसे पहले नाम कनाडा का ही आता है। इस देश का सारा नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया वो आर्कटिक रीजन के अंदर ही आता है। इसके बाद नाम आता है डेनमार्क का। ये देश दरअसल आपको वैसे तो यूरोप में दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद ग्रीनलैंड इसी के कंट्रोल में है, इसलिए डेनमार्क ऑटोमेटिक आर्कटिक रीजन का हिस्सा बन जाता है। वैसे आपको बता दें कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, जिसके सिर्फ 15% एरिया पर लोग रहते हैं, जबकि बाकी बचा 85% एरिया तो यूं ही बर्फ से ढका हुआ है। अब आते हैं तीसरे देश पर। तो ये आइलैंड है, मैप पर छोटा सा दिखने वाला ये देश वैसे तो टेक्निकली आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल बाउंड्री पर लोकेटेड है, लेकिन इसके दो आइलैंड्स हैं, कोलबेंसे रिज और ग्रिम्से आइलैंड, और ये दोनों ही द्वीप आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं, इसलिए ये आर्कटिक कंट्री बन जाता है। इस लिस्ट में चौथा आर्कटिक कंट्री नॉर्वे है, जिसका 50% एरिया आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, और इस एरिया में ये स्वालबार्ड और जैन माइन आइलैंड्स भी आते हैं जो नॉर्वे का ही हिस्सा है। पांचवा आर्कटिक कंट्री स्वीडन है, और इसका भी अच्छा खासा एरिया आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। फिर बारी आती है स्वीडन की, जो कि 6th पोजीशन पर आर्कटिक सर्कल का हिस्सा बन जाता है, और इसके बाद ही फिनलैंड है, जिसका नॉर्दर्न एरिया इस आर्कटिक सर्कल के अंदर है, और 7वें नंबर पर आता है रशिया, जो लगभग 15,000 माइल्स लंबी कोस्ट लाइन आर्कटिक ओशन के साथ शेयर करता है। अब जाहिर है इतना लंबा हिस्सा आर्कटिक रीजन का इस देश के पास है, तो वहीं की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भी रहती होगी, तभी तो पूरे आर्कटिक की 50% पॉपुलेशन हमें सिर्फ रशिया में ही देखने को मिलती है, और इसी वजह से रशिया का ऑलमोस्ट सारा नॉर्दर्न पार्ट आर्कटिक सर्कल में गिना जाता है। अब आर्कटिक देशों के लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप सोच रहे हैं कि भला अमेरिका कैसे, तो वो इसलिए क्योंकि आज अलास्का की बागडोर अमेरिका के हाथ में। ये वो देश है जिसने 1867 में अलास्का को खरीदा था, और तभी से ये आर्कटिक रीजन का मेंबर बन जाता है।
उस दौर में कनाडा ने अलास्का को कौड़ियों के भाव में अपने पड़ोसी को दे दिया था, लेकिन यकीनन आज कनाडा अफसोस मनाने वाला है क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी और इस आर्कटिक सर्कल में अमेरिका को भी जगह दे दी। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो आर्कटिक रीजन है जो जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला है। दुनिया के पूरे ट्रेड पर इसका असर जल्द दिख सकता है। अगर आपका सवाल है कि कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब काफी सिंपल है और ये पूरा किस्सा बर्फ के पिघलने से जुड़ा हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो एक तरफ तो इससे कई जमीनी हिस्से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हैं, वहीं कई नए शिपिंग रूट सामने आ सकते हैं। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है और सारी कहानी इन्हीं को लेकर। इसमें पहले है नॉर्थ वेस्ट पैसेज रूट और दूसरा है नॉर्थ सी रूट। ये दो वो रूट हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को हिला सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इनके बनने से कई देशों को समंदर से व्यापार करने के लिए केवल स्वेज कैनाल जैसे पॉइंट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ऐसे डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की भी उनको कोई जरूरत नहीं होगी जो वो केवल समंदर के व्यापार के चलते मजबूरी में बनाते हैं। चलिए अब आपको ये दोनों पैसेज समझाते हैं ताकि आपको इनकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट पैसेज की, तो ये पैसेज एक तरह का शिपिंग रूट है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच पड़ता है। अब बर्फ के चलते इसका इस्तेमाल तो होता है नहीं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है साहब कि अगर ये रूट खुला तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच ये ट्रेड रूट कई देशों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। और यहाँ से ट्रेड करना बाकी ट्रेड रूट्स के मुकाबले न केवल सस्ता होगा बल्कि बहुत एफिशिएंट भी होगा। अभी सी रूट्स के साथ दरअसल दिक्कत ये है कि कई बार देशों को लॉन्गर रूट को घूमकर जाना पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे पास शॉर्टर रूट्स अवेलेबल ही नहीं है। हालांकि एफिशिएंट ट्रेड रूट्स को डिस्कवर करने की कोशिश सदियों से चलती रही है, लेकिन नेचर के चैलेंज हमेशा ही इंसानों के सामने रहे। तभी तो 15th सेंचुरी में भी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक ओशन को एक्सप्लोर किया था, तब वो केवल अमेरिका को ही डिस्कवर कर पाए थे। हालांकि नॉर्दर्न साइड तक उन्होंने जाने की कोशिश की थी, मगर तब यहाँ बहुत बर्फ थी और इतनी बर्फ में आगे जा पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए 20th सेंचुरी तक सब यही समझते थे कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये केवल लोगों के द्वारा फैलाया गया एक मिथ है और यहाँ इस इलाके में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ फिर वक्त बदला और साल आया 1903। इसी साल एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोआल्ड एमिंडसन ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज को डिस्कवर करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए वो 1903 में एक छोटी सी शिप पर सवार होते हैं और नॉर्वे से निकले और 3 साल के सफर के बाद कनाडा के एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचे। ये आइलैंड था हर्शेल आइलैंड। बर्फ और ठंड के घेरे इस आइलैंड पर आज से पहले कोई नहीं आया था और यकीनन ये पूरे इतिहास में पहली बार था जब किसी एक्सप्लोरर के कदम आर्कटिक आइलैंड पर पड़े थे। इस बर्फीले इलाके को देखकर रोआल तो वापस चला गया, लेकिन इसके बाद 100 साल तक इधर कोई और कमर्शियल शिप नहीं आई। फिर 2013 में एक डच कंटेनर शिप जिसने वैंकूवर से पनामा कैनाल के जरिए फिनलैंड जाना था, उसने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज से जाने का सोचा और 100 साल बाद किसी कमर्शियल शिप ने इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज को क्रॉस किया। ये रूट लेने से न सिर्फ उसका सफर 4 दिन कम हुआ बल्कि उसे $80,000 के फ्यूल की सेविंग भी हुई। जाहिर था सी में सफर करने वाले लोगों के लिए ये एक सक्सेसफुल ट्रिप थी। दूसरी कंपनीज ने भी सोचा कि क्यों ना इस रास्ते से जाकर ना केवल पैसा बचाया जाए बल्कि टाइम भी बचाया जाए। इसी के चलते रिजल्ट ये निकला कि एक बार फिर ये रूट पूरी दुनिया में पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है और वेस्टर्न सुपर पावर्स को भी जब इस रूट के फायदे का एहसास हुआ तो उन्होंने भी इस पर बहुत सीरियसली गौर करना शुरू कर दिया। आज सारा फसाद भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देश समझ चुके हैं कि नियर फ्यूचर जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे इस जगह से सफर करना और इजी हो जाएगा और इससे शिप कंपनीज का अच्छा खासा वक्त बच जाएगा। चलिए अब आपको मैप से दिखाते हैं कि नियर फ्यूचर कैसे यहां से शिप ट्रैवल करेगा। देखिए होगा ये कि कंटेनर शिप यहां डेविस स्ट्रेट से नॉर्थ वेस्ट पैसेज में एंटर करेंगी और बैफन बे ऑफ क्रॉस करके बेफोर्ट सी में जाएंगी और फिर चुकचे सी को क्रॉस करके अलास्का और रशिया के बीच से होते हुए इधर पैसिफिक ओशन में आ जाएंगी और अब यहां से वो वेस्टर्न अमेरिका या ईस्टर्न एशिया तक जा सकेंगी। अभी फिलहाल इस रूट पर आइस ब्रेकर शिप्स के साथ ही सफर हो सकता है, मगर जिस स्पीड से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है साहब, उससे पूरी उम्मीद है कि 2040 से 2050 के बीच नॉर्मल कंटेनर शिप्स भी आसानी से यहां से गुजर सकेंगी और जब भी ये हुआ वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज जो शिप जापान से 13,000 मील का सफर करके स्विस कैनाल के थ्रू वेस्टर्न यूरोप जाती है, वो आसानी से बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज के थ्रू वेस्टर्न यूरोप पहुंच सकेंगे और ये रूट स्विस कैनाल वाले रूट से 6,000 मील छोटा है। और अब ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइम और पैसे की कितनी बचत होगी
और जाहिर है कि इस रूट की वजह से पनामा और स्विस कैनाल के ट्रैफिक और रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा डिप आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सारा का सारा ट्रैफिक इधर नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो भी इस रूट को कंट्रोल करेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। अब वैसे तो ये सारे आर्कटिक कंट्रीज सिवाय रशिया के आपस में फ्रेंडली हैं, मगर इस रूट में जितना पैसा और अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्ड है उतनी ही मुश्किल कनाडा के लिए इसे क्लेम करना है। अब हालांकि वो पैसेज के क्लोज है, लेकिन इतने सारे देशों को एक ही पॉइंट पर अग्री कराना इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से एक प्रॉब्लम और है, और इस दिक्कत का नाम है चाइना, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सी ट्रेड पर अपनी चील सी नजर गड़ाए बैठे। हाल ही के सालों में इस देश की कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी इस रूट में देखने को मिली है। एक नॉन आर्कटिक कंट्री होने के बावजूद भी वो यहाँ अपना जियोपॉलिटिकल गेम बिछा रहा है, और ऐसा हो भी क्यों ना। इस रूट के मिलने से जो सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो सकता है वो है चाइना। दरअसल मामला ये है कि चाइना की सारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से चलती है, और ये सारी एक्सपोर्ट्स इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू इंडियन ओशन में आती है और फिर स्विस कैनाल से होते हुए वेस्टर्न यूरोप को जाती है। जाहिर है ये एक अच्छा खासा लंबा रूट है जिसमें तीन चौक पॉइंट्स आते हैं। इसमें न केवल इस देश का टाइम और पैसा लगता है, बल्कि जियोपॉलिटिकली चाइना को इस बात का ख्याल भी रखना होता है कि वो इन चेक पॉइंट्स पर बैठे देश को अपसेट ना कर दे। चाइना जानता है कि अगर किसी भी वजह से ये पॉइंट्स ब्लॉक हो जाएं, तो चाइनीज इकोनॉमी कुछ ही दिनों में कोलैप्स कर सकती है। इसलिए चाइना ये चाहता है कि क्यों ना वो इस वेस्ट पैसेज पर अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर वो ऐसा करता है तो इसके जरिए यूरोप तक अपना माल पहुंचाना चाइना के लिए बेस्ट होगा, और इसी के साथ चाइना बिना किसी मजबूरी के सी रूट्स में अपना जाल को फंसाने का सपना भी पूरा कर पाएगा। बस यही सब देखते हुए चाइना आज बहुत अग्रेसिवली अपने आप को आर्कटिक एजेंडा से अलाइन कर रहा है। 2018 में भी इसमें एक बुरी खबर ये थी कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने चाइना को एक नियर आर्कटिक कंट्री डिक्लेयर किया था। 2023 में भी चाइना ने पहली बार अपनी लोकल मैन्युफैक्चर्ड आइस ब्रेकर शिप को यहां आर्कटिक में एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा था। अब चाइना ने वैसे तो अनाउंस किया है कि वो आर्कटिक रूट के बारे में जो भी इंटरनेशनल लॉ होगा उसे रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अपनी बात पर कौन देश टिकता है कोई नहीं जानता कि शतरंज की चाल कब बदल सकती है, और चाइना अपनी चाल बदलने में सबसे आगे ऐसा है। चाइना के बाद बात कनाडा की करें तो वो इस रूट पर ओपनली क्लेम करता है, और उसके इस क्लेम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस देश को हो रही है वो अमेरिका है। जी हाँ, वही अमेरिका जो हमेशा कनाडा का सगा बनता दिखाई देता है। अब हालांकि यूएसए और कनाडा के हिस्टोरिकल रिलेशन आपस में काफी फ्रेंडली हैं, बट इस मामले पर दोनों कंट्रीज में एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट है। यहाँ कनाडा का कहना है कि ये सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट पैसेज उसका है, क्योंकि ये सारा रूट उसकी आइलैंड्स और कोस्ट लाइन के साथ है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि ये रूट इंटरनेशनल बॉडी के अंडर फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। अब जाहिर है इसमें कनाडा को बहुत नुकसान है, और दूसरा इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अगर इस रूट को फ्री फॉर ऑल कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर कोई शिप बर्फ में या वैसे समुद्र में किसी एक्सीडेंट की वजह से फंस जाती है तो इधर दूर दूर तक कोई और कंट्री नहीं है जो यहाँ आकर उस शिप की मदद कर सके। इसलिए कनाडा ये कहता है कि इस सारे रूट का कंट्रोल उसे दिया जाए, और इस तरह यहाँ से गुजरने वाली सब शिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होगी, और क्योंकि वो यहाँ से गुजरने की फीस चार्ज कर रहा होगा तो वो इन शिप्स को प्रॉपर फैसिलिटी देगा, जैसे पनामा और स्विस कैनाल में उनको कंट्रोल करने वाली कंट्रीज फी चार्ज करते हैं, और शिप्स को क्रॉस करवाने की पूरी जिम्मेदारी भी उन्हीं कंट्रीज की होती है। अभी तक तो कनाडा और यूएसए के बीच इस इशू पर आर्ग्यूमेंट काफी ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि लॉन्गर रन में अमेरिका के पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ पर कनाडा की बात नहीं मानता है तो कनाडा को रशिया और चाइना का सपोर्ट मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर चाइना और रशिया अपनी प्रेजेंस बना लेंगे। तो जाहिर है कि अमेरिका किसी भी सूरत पर यहाँ चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चांस यही है कि अमेरिका कनाडा के इस क्लेम को मान लेगा। ये रूट कनाडा की इकोनॉमी को मैसिव बूस्ट देगा। इवन आज की डेट में भी सी ट्रेड कैनेडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। सिर्फ 2022 में ही कनाडा ने अपने शिपिंग पार्ट से $150 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट किया है। तो जाहिर है ये रूट फॉर श्योर कनाडा को वर्ल्ड मैप पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देगा। इसी के साथ जो ये नॉर्थ वेस्ट रूट है ये जियोपॉलिटिकली रशिया और चाइना को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। वही बात अगर भारत की करें तो अभी कनाडा से हमारे रिलेशन काफी हद तक बिगड़े हुए हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऊपर से रशिया भी चाइना के क्लोज होता जा रहा है, जो हमें भारी पड़ता जा रहा है। अगर ये सी रूट अवेलेबल हुआ तो भारत को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना पर पकड़ मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी, और ये हमें वॉर में भारी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि भारत भी गेम को लेवल अप करे और इस रूट का कोई तोड़ निकाले।
अब आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।